आप जो रहा छो इंडिया न्यूज गुजरात हूँ छू आपनी साथे रुचा पंड्या। बात करी विगतवार समाचारों ने तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात ना त्रण दिवसीय प्रवासी छे। तेवो गुजरात ने अनेक विकास ना कामों ने भेट आपशे। नरेंद्र मोदी गुजरात ना मुख्यमंत्री कार्यक्रम में क्लाइमेट चेन्ज डिपार्टमेंट छे तेमा पर खास स्थापनो कर्या छे। वात करी खास राज्य भवन राजभवन खाते थी पोताना संवाद में तेमणे वातचीत करता जणाव्युं के विंड एनर्जी अने सोलार एनर्जी में बीजा स्थाने भारत छे। सोलार रूफटॉप योजना में गुजरात देश में सौथी आगळ छे। गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में पण खास अव्वल बनशे। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में खास बात करें तो इन्वेस्ट माटे गुजरात महत्वनु राज्य बन्यू छे। गुजरात 2030 सुधी में लगभग 100 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी ना लक्ष्यांक पर पहुंचे तेवी आशा छे। वधुमां पण तेमणे खास जणाव्युं के तमे बधा जाणो छो के भारतनी जनताए 60 वर्ष पछी कोई एक सरकार ने सतत त्रीजी वखत सत्ता आपी छे। अमारी सरकार ना त्रीजा कार्यकाळ पछी भारतनी मोटी आकांक्षाओ छे ते पहोंचशे। बात करी खास आज 140 करोड़ भारतीयों ने विश्वास छे कि तेमनी आकांक्षाओ छे जेने लईने लगभग कही शकाय छेल्ला 10 वर्षमां पांखो हवे मळी रही छे अने ते कही शकाय आ 3G टर्म्समां पण जे 3G टर्म्स छे तेमां पण उड़ान भरशे। इन्वेट्स कही शकाय जे कॉन्फरन्स छे तेनी पण चौथी आवृत्ति छे अने मने पूरो विश्वास छे कि आवनारा 3 दिवसोमां ही एनर्जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी तेमज कही शकाय पॉलिसी अने जे सीरियस डिस्कशन छे ते तमामे तमाम 3 दिवसमां लेवामां आवशे। देशना गरीबो उपरांत दलितो पीड़ित शोषित अने वंचित रहेला जे लोको छे तेमने पण अमारा पर विश्वास छे कि अमारो त्रीजो कार्यकाळ तेमना गौरवपूर्ण जीवनमां जीववानी गेरंटी हशे। 140 करोड़ भारतीयोए खास भारत ने झड़पथी टोचनी त्रीजी अर्थव्यवस्थामां लई जवा माटे संकल्प साथे ही काम करी रह्या छे अने त्यारे 100 दिवसमां भौतिक अने सामाजिक माळखाना विस्तरण माटे पण घणा महत्वपूर्ण निर्णय लेवाया छे। खास बात करीए अमे भारतमां 7 करोड़ घर बनावी रह्या छे। सरकारनी छेल्ली बेटममां अमे 400 मिलियन घरो अने एटले के कही शकाय लगभग 4 करोड़ घर बनाव्या छे अने त्रीजी टर्मां पण अमारी सरकार 3 करोड़ नवा घर बनावानुं काम करशे तेवुं पण तेमणे जणाव्युं। अभी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd term दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd term के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है, यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्यघर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलार पीवी टेक्नीशियंस भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलार बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलार क्रांति का चैप्टर, सोलार रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों,
जो विदेश के मेहमान आए हैं मैं उनको कहूंगा, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत खास गांव है मोढ़ेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेम्पल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं अभी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे भी मेरा आग्रह है एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है।